गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल विथ योर फैमिली मेंबर्स। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हुंड्स रूल, या इसे हुंड का उच्चतम बहुलकता का नियम कहते हैं। ये हुंड का उच्चतम बहुलकता का नियम मैं हिंदी में लिख रहा हूं, हुंड का उच्चतम बहुलकता का नियम। हुंड का उच्चतम बहुलकता का नियम कहते हैं। ठीक है, हुंड का उच्चतम बहुलकता का नियम कहे या हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम कहे, इसका सीधा कंक्लूजन यह है कि जहां तक पॉसिबल हो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहना पसंद करते हैं। ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, अनपेयर्ड का मतलब समझते ना, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, जैसे ये एक कोई ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल को हिंदी में कक्षक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहना पसंद करते हैं। अनपेयर्ड कैसा होता है, ये अगर ऐसा हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों को क्या पसंद है, अनपेयर्ड नेचर, जहां तक पॉसिबल होता है वो अनपेयर्ड रहना पसंद करते हैं। इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है और स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन किया गया है हुंड्स रूल में। ये रूल 1925 हुंड के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसीलिए इसे हुंड का उच्चतम बहुलकता का नियम, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के नाम से भी जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के पेयरिंग के बारे में बताता है, ये बताता है कि किसी सबसेल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग का क्रम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे पेयर बनेंगे, इस चीज को डिफाइन करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसका टाइम भी वही है जो पाउली के कंसेप्ट का था, तो ध्यान रखेंगे। तो चलिए पहले हम इसको डिफाइन करने का प्रयास करते कि ये कहता क्या है। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन एनी ऑर्बिटल, इन एनी ऑर्बिटल सबसेल, सबसेल इज नॉट पॉसिबल अंटिल ऑल द सेम स्पिन इलेक्ट्रॉन, चलिए तो हुंड के कंसेप्ट को हम लोगों ने अभी देखा। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन एनी ऑर्बिटल ऑफ सबसेल इज नॉट पॉसिबल अंटिल ऑल द अवेलेबल ऑर्बिटल्स ऑफ अ गिवन सेट कंटेन वन इलेक्ट्रॉन एज वेल एज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैव सेम स्पिन इलेक्ट्रॉन। इतनी सी बात है हुंड्स रूल में कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन एनी ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग या इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तब तक पॉसिबल नहीं होती है, ऑर्बिटल्स ऑफ सबसेल इज नॉट पॉसिबल अंटिल ऑल द अवेलेबल ऑर्बिटल्स, जब तक कि सभी उपलब्ध ऑर्बिटल्स में जो दिए गए हैं कंटेन वन इलेक्ट्रॉन, जब तक कि
जो अवेलेबल ऑर्बिटल्स हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता तब तक पेयरिंग संभव नहीं है, एज वेल एज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है सेम स्पिन, जिसको हमने रेड किया है। इसका मीनिंग समझ लीजिए, अगर कोई हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है या कोई सबसेल हाफ फिल्ड है, जैसे ये डी है, ये डी सबसेल है और इसमें फाइव ऑर्बिटल्स है, तो जो फाइव ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं अगर इसलिए हाफ फिल्ड रहता है आधा भरा हुआ है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्ड जो फिलिंग होगी वो इस मोड में होगी, वही लिखा है एज वेल एज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है सेम स्पिन इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है उनका स्पिन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा वो सेम होगा, ऑल द इलेक्ट्रॉन आर क्लॉक वाइज स्पिन, सभी इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉक वाइज स्पिन में। इसी टाइप से हम लोग देख सकते हैं ये पी सबसेल है और देयर आर थ्री ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन पी सबसेल, पी सबसेल में थ्री ऑर्बिटल्स होते हैं और अगर उनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करी जाए तो इलेक्ट्रॉन इस मोड में फिल किए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो टू ऑर्बिटल्स है उनमें तो क्लॉक वाइज स्पिन का इलेक्ट्रॉन होगा और जो एक है उसमें एंटी क्लॉक वाइज स्पिन का इलेक्ट्रॉन होगा, नेवर, ऐसा कभी नहीं होगा। इस बात का मीनिंग यही है, एज वेल एज साथ ही हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है सेम स्पिन इलेक्ट्रॉन। मतलब जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा होगा बेटे, सेम होगा, सेम। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन एनी ऑर्बिटल ऑफ सबसेल इज नॉट पॉसिबल अंटिल ऑल द अवेलेबल ऑर्बिटल्स ऑफ गिवन सेट कंटेन वन इलेक्ट्रॉन, जब तक कि गिवन सेट के जो भी सेट दिया गया है उसके प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं कर जाता तब तक कि युग्मन की क्रिया, जिसे हम लोग पेयरिंग कहते हैं, युग्मन की क्रिया प्रारंभ नहीं होगी। चलिए तो ये विद्यार्थी नोट कर लेंगे, इसके बाद मैं इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देता हूं, इसको मिटा देते हैं। अब हुंड के नियम को हम लोग हिंदी में भी देख लेते हैं, कैसे उसको हिंदी मीडियम के बच्चे डिफाइन करेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चों से क्या उम्मीद की जाती है इस डेफिनेशन को लिखने की। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 1925 में हुंड ने इसको प्रस्तुत किया था, ये तो सब सामान्य चीजें वो लिखना ही है, उनमें कोई ज्यादा चेंज नहीं हो सकते, थोड़ी सी डेफिनेशन जो मुख्य बात है उसको चेंज कर दे। तो हुंड के नियम के अनुसार किसी उपकक्षा की कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं हो सकता किसी उपकक्षा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उस उपकक्षा के प्रत्येक कक्षक यानी ऑर्बिटल में समान चक्रण वाला एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता। ठीक है, किसी तथा किसी इलेक्ट्रॉन का चक्रण यानी स्पिन
समान होता है। ठीक है, यह हुंड का नियम है, किसी उपकक्षा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उस उपकक्षा के प्रत्येक कक्षक में समान चक्रण वाला एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं कर जाता, तथा किसी अर्ध पूर्ण भरे कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है वो कैसा होता है, समान होता है। ये हुंड का नियम है। ठीक है, मतलब ये कि यदि उपलब्ध कक्षक है जो समान ऊर्जा वाले उपलब्ध कक्षक हैं, पहले उसमें समान चक्रण वाला एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, इसके बाद और अधिक इलेक्ट्रॉन आएंगे तब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ होगा। ये अभी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अगर एस उपकक्षा है तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एक कक्षक होता है, पी उपकक्षा है तो हम लोग जानते हैं ना तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, डी उपकक्षा है तो उसमें पांच ऑर्बिटल्स होते हैं, फाइव ऑर्बिटल्स, और एफ उपकक्षा में सेवन ऑर्बिटल्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो एस सब सेल में केवल एक ऑर्बिटल होता है और इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग होगा, ये पहला इलेक्ट्रॉन आया और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा यानी सेकंड, यानी एस उपकक्षा में सेकंड इलेक्ट्रॉन के आने पर युग्मन यानी पेयरिंग होगी। ऐसे ही पी उपकक्षा को देखें तो पहले सेम स्पिन वाला एक एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक ऑर्बिटल में जाएगा जो भी अवेलेबल है, और इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन बचेंगे तब वो पेयरिंग करेंगे। जैसा कि हम शुरुआत में बता दिए हैं कि इलेक्ट्रॉन जहां तक प्रयास करते अनपेयर्ड रहना, ये इलेक्ट्रॉन यहां ना रहकर के यहां भी हो सकता है, लेकिन इसका नेचर कैसा है, अनपेयर्ड रहने का, मजबूरी में कोई अवेलेबल नहीं है ऑर्बिटल तो पेयरिंग शुरू हो जाती है। ये कब होगा पेयरिंग, फोर्थ इलेक्ट्रॉन के आने पर पेयरिंग शुरू हो जाएगी। डी अगर सबसेल है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ये सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन आएगा तो पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही एफ में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एट्थ इलेक्ट्रॉन आएगा यानी आठवां इलेक्ट्रॉन आएगा तो युग्मन की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। एस उपकक्षा में दूसरे इलेक्ट्रॉन के आने पर, पी उपकक्षा में चौथे इलेक्ट्रॉन के आने पर, डी उपकक्षा में छठे इलेक्ट्रॉन के आने पर, एफ उपकक्षा में आठवें इलेक्ट्रॉन के आने पर पेयरिंग स्टार्ट होगा। सेकंड इलेक्ट्रॉन एस सबसेल है, अगर एस सबसेल है तो सेकंड इलेक्ट्रॉन आएगा तो पेयरिंग होगी, पी सबसेल है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा तो पेयरिंग होगी, डी सबसेल है तो सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन आएगा तो पेयरिंग होगी, एफ सबसेल है तो एट्थ नंबर इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो पेयरिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये इतनी सी बात है और हुंड्स रूल से एक कंक्लूजन निकलता, अभी हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में कि यदि ऑर्बिटल्स, देखिए यदि जो ऑर्बिटल्स हैं, हाँ उनमें जो इलेक्ट्रॉन है, देखो ऑर्बिटल्स ये है, ये पी ऑर्बिटल है, तीन होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन इस तरीके से नहीं होंगे, सेम स्पिन वाला होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन की कंडीशन भरने की ये होगी फिलिंग की, इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भरे जाएंगे, गलत तरीका, रॉन्ग मेथड, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरे जाएंगे नहीं, ये भी गलत तरीका है। तो ये इलेक्ट्रॉन फिलिंग का सही तरीका है और ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का गलत तरीका है, ना तो एंटी क्लॉक वे में भरे जाएंगे, ओनली क्लॉक वे में, और वो भी लिखा है इलेक्ट्रॉन का चक्रण स्पिन समान होता है और सबका स्पिन कैसा होगा, सेम होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक ऐसा नहीं होगा। एक बात और हम लोग ध्यान करके रखेंगे कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं अगर 100% भरे ऑर्बिटल्स हैं वो ज्यादा स्टेबल है, उससे कम स्टेबल होते हैं 50% भरे ऑर्बिटल्स, उससे कम स्टेबल होते हैं X% भरे ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये उनकी स्टेबिलिटी का क्रम है,
इसको हम लोग अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि यदि ऑर्बिटल्स 100% फिल्ड हैं, ऑर्बिटल्स कक्षक पूरे भरे हैं तो सर्वाधिक मोर स्टेबल, अगर 50% भरे हैं तो कुछ कम स्टेबल होंगे लेकिन स्टेबल होंगे, अगर जो एक्स परसेंट भरे हैं उससे, तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि इस होम्स रूल को हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तैयार करते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन का। चलिए उसी के साथ हम इसका निष्कर्ष भी पढ़ेंगे, हालांकि निष्कर्ष यही है जो मैंने बताया। चलिए देखते हैं उसे। ये अब बात करते हैं हुंड रूल को एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन से एग्जाम्पल हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ एलिमेंट्स का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा आपको और उनके आधार पर हम लोग समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है। सबसे पहले हम लोग एटॉमिक नंबर 7 नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना हम लोग सीख चुके हैं, पहले पिछले वीडियो में हमने बता दिया 1s2 2s2 2p3 2 4 7, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। और इनका ये तो सोमरफील्ड अरेंजमेंट हो गया इलेक्ट्रॉन का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू सोमरफील्ड। उन्होंने उपकक्षा जिसे हम लोग सबसेल कहते हैं, सबसेल में डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके बाद देखो ये 1s, ये 2s और ये 1s 2s और ये 2p, ठीक है। इसके बाद एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन, 1s2 2s2 2p4 और इसका ये ऑर्बिटल पाउलीज कंसेप्ट से इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है। देखो 1s 2s 2p 2, 4, 8। एटॉमिक नंबर 9 फ्लोरीन, 1s2 2s2 2p5 5 to 7 to 9। वन एस टू एस टू पी। बेटे हुंड्स रूल, ये तो सोमरफील्ड की व्यवस्था है, इसमें कोई डिस्टरबेंस अपन को करना नहीं है। हम लोगों को यहां देखना है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है। देखो 2, 2 तो ऑर्बिटल एक है और उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, अदर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। यही तो हमने सीखा है पाउलीज कंक्लूजन से, पाउलीज कंसेप्ट से, पाउलीज एक्सक्लूजन कंसेप्ट, ठीक है। और s फिर 2s है, 2s में फिर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर यहां फिलिंग करेंगे। यहां 2p है और p में जो है 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 ऐसा नहीं होंगे। कैसा होंगे? क्योंकि अभी बताया है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग पॉसिबल नहीं है अंटिल जो भी अवेलेबल ऑर्बिटल्स है वो उनमें, जब तक कि एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं एंटर कर जाता। तो जो भी अवेलेबल ऑर्बिटल्स हैं, जब तक उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं हो जाएगा अभी उनमें कि वो पेयरिंग कर सकें, जैसे ही जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसके बाद वो पेयरिंग के लिए इलिजिबल हो जाएंगे। अब और इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये पेयरिंग करने के लिए इलिजिबल हो गया, योग्य हो गया। अब देखो ऑक्सीजन 2, 2, 4, 8 2 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 1, 2 और ये 4 इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं होगा कि हम लोग इसको फिलिंग ऐसी दिखा दें, नहीं, ये हम करेंगे भी नहीं और हम लोग ऐसा भी नहीं करेंगे
कि हमें मालूम है कि इसमें फोर इलेक्ट्रॉन है, टू इसमें भर दिए, वन इसमें भर दिए, ये ऐसा करेंगे भी नहीं। करेंगे भी क्या, इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग हम लोग दिखाएंगे वो भी हम अपने आप को भी अकॉर्डिंग टू होन्स रूल चलेंगे, वन थ्री फोर, ठीक है। इधर देखो, इधर इसमें p में फाइव इलेक्ट्रॉन है, तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1s 2s 5 इलेक्ट्रॉन इसमें फिलिंग करेंगे, 1 2 3 4 5। जब तक जो अवेलेबल ऑर्बिटल्स हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं कर जाएगा, तब तक जो है एलिजिबल नहीं है वो पेयरिंग कराने के लिए। होन्स रूल को अगर हम एक व्यवहारिक एग्जाम्पल देने की बात करें, एक सामान्य सा एग्जाम्पल देने की बात करें, कि आपके घर में तीन बच्चे हैं और पिताजी चॉकलेट चार लेके आते हैं, चार चॉकलेट पिताजी लेके आते हैं, और वो चार चॉकलेट एक बच्चे को दो दे दी, दूसरे बच्चे को दो चॉकलेट दे दी, चॉकलेट खत्म, और जो तीसरा बच्चा है उसको बोल दिया सॉरी बेटे चॉकलेट खत्म हो गई। गलत बात है, इट इज नॉट होन्स रूल, ये होन्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। होन्स रूल क्या कहता है, अगर तीन बच्चे हैं तो प्रत्येक बच्चे को पहले एक एक चॉकलेट बटेगी, इसके बाद और चॉकलेट आएंगी तो फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं आती है। सपोज दैट फोर चॉकलेट है और आपने तीन बच्चों को एक एक चॉकलेट दे दी, फिर जो एक चॉकलेट बचती है उसको आप उचित कारण बताते हुए किसी एक बच्चे को दे सकते हैं, कारण बताते हुए कोई विवाद उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन अगर पहला तरीका अपना लिया, अपोजिट ऑफ होन्स रूल, होन्स रूल के अपोजिट चले गए, विवाद खड़ा हो जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात याद रखना है, होन्स रूल में पहले जो तीन बच्चे हैं सभी को एक एक चॉकलेट, इसके बाद एक चॉकलेट और आ गई इस बच्चे को दे दी, एक चॉकलेट और आ गई इस बच्चे को भी दे दी, और इससे कह दिया बेटा तू इंतजार कर आगे फिर आएगी तब हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये होन्स कंसेप्ट है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे अकॉर्डिंग टू होन्स रूल, होन्स रूल के अनुसार जो भी अवेलेबल ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें पहले क्लॉकवाइज स्पिन का, सेम स्पिन का पहले एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, इसके बाद और सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो पेयरिंग के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे, इतनी सी बात है, क्लियर। चलिए अब हम लोग जानते हैं इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, होन्स रूल से क्या निष्कर्ष निकलता है, बड़ा छोटा सा निष्कर्ष प्राप्त होता है होन्स रूल से। होन्स रूल कहता है कि जो ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं वो मोर स्टेबल है, ऐसे ऑर्बिटल्स जो हाफ फिल्ड होते हैं वो भी स्टेबल है, लेकिन ऐसे ऑर्बिटल जो ना तो 100% फिल्ड है ना 50% फिल्ड है वो कैसे हैं, वो अनस्टेबल है, इतना सा निष्कर्ष है। होन्स अकॉर्डिंग टू होन्स रूल 100% फिल्ड और 50% फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन द अदर। तो चलिए इसको लिख सकते हैं, कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल निष्कर्ष निकलता है होन्स के रूल से कि कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है वो मोर स्टेबल। और ये कैसा है, लेस स्टेबल।
जो इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं ऑर्बिटल्स वो कम स्थाई होते हैं, ये हाफ फिल्ड यानी 50% फिल्ड है, ये भी स्टेबल होगा, 50% फिल्ड है ये भी स्टेबल होगा, 100% फिल्ड है ये भी स्टेबल है, अगर कोई परसेंट है वो लेस स्टेबल है। ठीक है, बस हमको इतनी सी बात याद रखना है। इसीलिए आपने देखा होगा क्रोमियम और कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब है, अफबाउ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, यही वजह है होम्स रूल के अकॉर्डिंगली जब डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो रहे हो तो ऐसे इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके डी में चला जाता है, और जब डी में 9 इलेक्ट्रॉन हो रहे हो तब भी उसके करीबी एस का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है डी में। इसको समझाने के लिए होम्स रूल का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इसको मिटाने के बाद एक बार हम उसको देख लेते हैं, क्रोमियम और कॉपर के कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा क्या हो जाता। चलिए अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं क्रोमियम का और कॉपर का। तो क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4, ये 24 क्रोमियम, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 4, 24, ठीक है, ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। चलिए अब हम देखते हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है, हम लोग सब जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं इसको सही कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 1, 2, 3, 4, 5, 3d, 4s, 3p, 3s, 2p, 2s, 1s, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। अब ये इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे भाई, इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, देखो भाई इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन से भर दिए, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमें पता है ये पेयरिंग होगी, लेकिन फिर भी हम लोग होम्स रूल को फॉलो करेंगे। इधर एस, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 भर दिया, इधर 4s, 1, 2, ये 3d4, 1, 2, 3, 4, ये प्रॉब्लम है। डी में कहा जा रहा है कि अगर ऑर्बिटल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं बेटे, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से माइग्रेट करके यहां पहुंच जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां से गायब हो जाएगा और कहां पहुंच जाएगा, यहां, और ये कैसा हो गया, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड यानी मोर स्टेबल हो गया ये, ठीक है, ये भी हाफ फील्ड, इलेक्ट्रॉन वहां चला गया। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4s बन कर देते हैं और 3d क्या कर देते हैं, 3d5 कर देते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्रोमियम में ही नहीं कॉपर में भी ऐसा ही करते हैं। कॉपर को देखते हैं, एटॉमिक नंबर 29, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9, ये 9 है और 9 का जो कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, इतना कॉन्फ़िगरेशन बनाने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं, सीधा आप यहां देखेंगे, यहां देखेंगे 4s और यहां 3d, 1,
टू थ्री फोर फाइव, जो फाइव इलेक्ट्रॉन है इसमें टू इलेक्ट्रॉन है, डी में नाइन इलेक्ट्रॉन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो ये 100% फिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता भाई, यहां से एक इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके कहां पहुंच जाता, यहां, और ये जब इलेक्ट्रॉन यहां से माइग्रेट कर जाएगा तो यहां पहुंच जाएगा, यहां लिखेंगे हम लोग 4s1 और यहां लिखेंगे 3d10 और यहां लिखेंगे कंप्लीटली फिल्ड। यानी 100%, और क्या लिखेंगे, मोर स्टेबल अकॉर्डिंग टू हुंड रूल, ये भी हुंड के नियम से अधिक स्थायी है पिछले कॉन्फ़िगरेशन की तुलना में। पहले जो कॉन्फ़िगरेशन था 2 और 9 की तुलना में 1 और 10 ज्यादा स्टेबल है, और कोई भी एलिमेंट हो अपने मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में रहना अधिक पसंद करता है, ये हुंड रूल हो गया। हमारे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी, फिर भी कोई बात समझ में ना आई हो आप बताएं। हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए, आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहेंगी, ठीक है। कोई बात समझ में ना आए मेरे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।